यदि आप नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन का अभ्यास करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हमारे देश में जो ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है, उसमें व्यवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मेरा अपना विचार है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है, वही अनुशासनहीनता का भी कारण है। अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भाषा है और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है, जो अपनी मातृभाषा की गोद में पला है, उसको यदि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा ख्याल है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो सकता है। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है, वह यह है कि बालक की मातृभाषा में शिक्षा न देकर उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं। मेरा अभिप्राय विदेशी भाषा अंग्रेजी से है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जब से यह भाषा इस देश में आई है, चाहे वह किसी कारण से आई हो, इसे आप भी और इस माननीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बुरे परिणाम ही निकले हैं, कोई भलाई नहीं हुई है। इस देश को जो हानि हुई है, वह किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना फैशन बढ़ रहा है और जितनी वेशभूषा बिगड़ रही है, वह सब अंग्रेजी भाषा के ही कारण है। जिस समय यहाँ पर अंग्रेजी भाषा राज्य था, अक्सर यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो खास करके किसी ना किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे, अंग्रेज़ों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे। परंतु यह इस प्रदेश और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेज़ों का राज समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेशभूषा को पहनते चले जा रहे हैं। इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैशन पर पड़ा, उससे लाभ के बजाय हानि ही हुई है और हो भी रही है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अंग्रेजी वेशभूषा से इस देश को बहुत हानि हुई है। विदेशियों के भारत में आने और लूट ले जाने से उतनी हानि नहीं हुई जितनी कि काश्तकारों को सरकारी लगान का बकाया अदा करने के लिए अपने घरों के जेवर बेचने पड़ रहे हैं। अगर मिल मालिकों के पास काश्तकारों की बकाया अदायगी के लिए पैसा नहीं है तो व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए, वे उनको पूरी तरह मंजूर नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर
देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती है, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से हमारी खपत बढ़ती जा रही है। सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिर दर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े बड़े अफसर बैठे हैं और हजारों रुपये की लंबी लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की फाइलों और कागजों में लगा रहता है। इससे विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों की नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूंकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए जिससे फसल की हानि ना हो। अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 24 सालों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं, जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम न करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की तरक्की के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में न ले सकें।
हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में लें। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 साल में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार 10 साल के लिए बढ़ाया गया और दोबारा फिर 10 साल के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि मिलों के ऊपर किसानों का कई वर्षों तक गन्ने का मूल्य बकाया पड़ा है, जिसकी अदायगी नहीं हो रही है।